हमारे साथी श्री शादीलाल बत्रा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व स्पीकर श्री रघुवीर सिंह कादियान जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जिनकी बहादुरी की मिसाल दी जाती है, श्री आनंद सिंह डांगी जी, भाई राव यादवेंद्र सिंह जी, बहन गीता बुक्कल जी, बहन शकुंतला खटक जी, श्री राजेंद्र जून जी, श्री कुलदीप वत्स जी, श्री चक्रवर्ती शर्मा जी, श्री नरेश शर्मा जी, श्री संत कुमार जी, भाई भूषण बत्रा जी, हमारी महिला कांग्रेस की हमारी साथी बहनें, यूथ कांग्रेस के और NSUI के हमारे नौजवान साथी और मीडिया के हमारे बंधुओं, मुझे मालूम है कि आप बहुत समय से बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद इतने इत्मीनान से बैठे हैं, तो मैं आप सबको दाद देती हूँ, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। वैसे रोहतक से पुराना नाता रहा है, बचपन का नाता रहा है। मेरे मामा जी स्वर्गीय चौधरी राम सिंह जी यहाँ रहते रहे और मेरा बचपन रोहतक में गुजरा, और उसके बाद तो अनेकों बार आना जाना रहा है। साथियों, ज्यादा समय नहीं लूंगी, चंद बातें कहूंगी। आपके आशीर्वाद से, श्रीमती सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से आज हमें नई जिम्मेवारी मिली है, और आज समय भी ऐसा है। हमारी परीक्षा की घड़ी आ गई है, आज ही विधानसभा के चुनाव का बिगुल बजा है, 21 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहा है, वक्त बचा नहीं। आप लोग सारी सियासी बातें समझते हैं, बहुत समझदार हैं, फैसला आप लेना जानते हैं। इस बार लोकसभा में आप लोगों ने बहुत चाहा, और हमें भी लगता था, हालांकि हम सभी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन हमें लगता था कि हरियाणा की अगर एक नंबर की कोई सीट है तो वो हमारे छोटे भाई और आप लोगों की रोहतक सीट हम मानते थे। लेकिन जिस तरह से काउंटिंग की गई, जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, सब जानते हैं कि ये जीती हुई सीट को कैसे हार में तब्दील किया गया। लेकिन साथियों, इस तरह की गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। अब इस वक्त हरियाणा पुकार रहा है, एक बदलाव चाहता है हरियाणा। 5 साल भारतीय जनता पार्टी की यह जन विरोधी सरकार रही, इनकी कारगुजारी के बारे में मैं क्या कहूं। आज के दिन किसान दुखी है, गरीब मजदूर दुखी है, हमारा दलित वर्ग दुखी है, हमारा पिछड़ा वर्ग दुखी है, कर्मचारी दुखी हैं, और सबसे ज्यादा हमारा युवा वर्ग दुखी है। आज उसे अपना भविष्य इस सरकार की गलत नीतियों के कारण अंधकार में नजर आ रहा है। ना नौकरियां मिल रही हैं, सरकारी नौकरियों में व्यापक धांधली हो रही, निजी क्षेत्र खत्म होता जा रहा है, तो हमारा नौजवान क्या करेगा।
मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं। आज हमारे हरियाणा में अपराध इस कदर बढ़ गया है कि देश में हमारे हरियाणा का नाम बहुत शर्म की बात है कि अपराध में सबसे ऊपर लिया जाता है, बेरोजगारी में ऊपर लिया जाता है, विकास नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, अगर एक बात थी और वो थी अमन चैन शांति की। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जो हमारा भाईचारा रहा है, आपस का प्रेम सद्भाव, उस पर भी गहरी चोट लगी और इस बात का जवाब आप लोगों ने इनसे मांगना होगा। साथियों, आज सभी लोग हमारी ओर देख रहे हैं, हरियाणा की ओर देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि इस वक्त हरियाणा के इम्तिहान की घड़ी, न जाने आपके सामने क्या क्या बातें, कैसे कैसे झूठ बोले जाते हैं, जैसे 5 साल पहले बोले गए। 10 साल हमारी सरकार रही केंद्र में, श्रीमती सोनिया गांधी जी की रहनुमाई में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, देश की तरक्की हुई। हरियाणा में 10 साल हमारी सरकार रही, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा की तरक्की हुई। लेकिन पिछले 5 साल में इनके पास केवल खोखले नारों के अलावा और कुछ नहीं मिला है। आज इनकी कोई देन नहीं है, कहीं कोई नारा, कहीं कोई नारा। तो साथियों, वक्त आ गया जब आपने इनको बता देना है, इनकी असलियत बता देनी। तो मैं आप सभी से यही उम्मीद करती हूँ, कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते, कि आप लोग यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस के सच्चे सिपाही इतनी गर्मी में दिन भर से बैठे हैं, इतना सब्र आपने दिखाया है, आपके दिल में, आपके मन में एक इच्छा है, एक लालसा है, और आपका ये जोश, आपका ये प्रेम आने वाले वक्त में ये दिखा देगा कि इस तरह की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को आपने उखाड़ देने का मन बना लिया है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप जिनको सुनने के लिए बेताब हैं, हमारे बहुत ही कद्दावर नेता